देखिए गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के लिए रेवाड़ी में कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक विशाल जनसभा कर दी, जिसको संबोधित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए और साथ में रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने जिस तरीके से पूरे चुनाव की कंपेनिंग अपने हाथ में ली है और राज बब्बर को जिताने का एक बीड़ा उठाया, पिता पुत्र दोनों लगे हुए हैं सीधा, उन्हीं से जानते हैं कि आज जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया है उससे कितना फायदा इनको होगा। कैप्टन साहब, पिता पुत्र नहीं, पूरे मेरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हम जीतते हैं कार्यकर्ताओं के बल पे। आज जो है मैं नहीं लड़ा चुनाव, आज रेवाड़ी की जनता, बावड़ की जनता जो चुनाव लड़ रही है। बेटा कहते हैं कैप्टन का पूरा परिवार के गिरफ्त में चुनाव है, अब हम लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसको बात को सुनिए, ये चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता तो लड़ रहे हैं, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को क्या आदेश देंगे, क्या संदेश देंगे? जो मैंने मेरा सवाल सुन लेनी है। जो 10 साल तक मैंने पसीना बहाया था, भले ही मुझे टिकट ना मिली हो, मुझे इस बात का दुख तो था, लेकिन आज जो है हमने बड़ा मुद्दा देखना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। एक एक सीट मायने रखती है कि 400 पार तो भूल जाए, 150 पार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं एम्स बने यहाँ पर, हम चाहते हैं यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज बने, हम चाहते हैं यहाँ रक्षा विश्वविद्यालय बने, हम चाहते हैं कि रेवाड़ी के अंदर जो पानी की समस्या है, मैंने लिसाड़ा का वाटर वर्क्स बनवाया था नया, मैंने काड़ा का बनाया, उसके बाद ये एक भी नहर की इन्होंने नहर खोदी हो, एक इन्होंने कोई संस्था बनाई हो इन्होंने। देखिए जो यहाँ के सांसद हैं उनके पास कोई भी उपलब्धि नहीं है जिसके नाम पे वो वोट मांग सकते हैं। लेकिन आप वोट मांगने जा रहे हो, हम गांव में घूम रहे हैं, वो आपके ऊपर कह रहे हैं, बोलो पूरा परिवार कैप्टन का, पिता पुत्र वोट मांग रहे हैं, गारंटी कौन देगा? बब्बर के पास कैसे जाएंगे, कौन गारंटी देगा? क्या कैप्टन अजय सिंह और क्या चिरंजीव राव का घर लोगों को पता नहीं है? मैं जो है उनकी जगह वो भी काम करेंगे, वो कह रहे हैं खुद आज कह के गए कि मैं अपना मकान गुड़गांव बनाएंगे, लेकिन रेवाड़ी बावड़ के लिए तो कैप्टन अजय सिंह और चिरंजीव खड़े हैं ना हमेशा। अगर किसी को हम खड़े नहीं देखे तो पड़े कैसे दिखेंगे? नहीं, एक अहिरवाल का मुद्दा का, यहाँ तो सैनिकों की खाना आप हमेशा कहते रहे अपने प्रचार में, अग्निवीर योजना लेके आए, उसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निपथ योजना समाप्त कर देंगे, 15 साल की नौकरी करेंगे, ठीक है, 30 लाख रोजगार देंगे, जो हमारे BA पास बच्चे हैं उससे ऊपर पढ़े लिखे उनको 1 लाख रुपया साल का देंगे, और जो हमारी महिला है, जो सबसे बड़ी महिला घर की, उसको 1 लाख रुपये दिया जाएगा, मनरेगा में 400 रुपये दिए जाएंगे, और इसके अलावा आपने देखा होगा 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, ठीक है, और 100 गज प्लॉट देने की बात है, गाँव के अंदर की बात है। आज जो है लड़ाई जो है कमेरों और लुटेरों के बीच में है, कांग्रेस पार्टी जो है वो कमेरों की पार्टी है, लुटेरों ने इस देश को लूटा है, काला धन लेके नहीं आए। आज जो है डॉलर क्या कहा करते हैं प्रधानमंत्री की, डॉलर कितना गिर रहा है आज प्रधानमंत्री वो बताएं कि वो कितना डॉलर गिर चुका है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, अगर आपने कांग्रेस का वोट दे दिया, आपका मंगलसूत्र, आपकी भैंस, आपके बाजरे का एक्सरे हो जाएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी। 55 साल मुस्लिम लीग की आपके मैनिफेस्टो के अंदर बताते हैं, 55 साल हमारा राज रहा, क्या किसी का मंगलसूत्र लिया हमने? मोदी जी ये बता दें कि उनकी जो घरवाली, जो उनका मंगलसूत्र है, क्या उसकी लाज रख सके हो? क्यों छोड़ी उन्होंने शादी करके? 7 फेरे लिए थे ना, उनकी गारंटी ली थी ना मोदी जी की, क्या गारंटी? 15 लाख रुपए की गारंटी हुई पूरी, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई। और जहां तक सवाल है काम करने का, कांग्रेस पार्टी ने पीछे भी काम किया, आगे भी काम करे। एक जिस तरीके से कह रहे हैं अडानी अंबानी ने टेम्पो भर भर के नोट आप लोगों को भेजे आपकी पार्टी को, अब तो आपके चुनाव प्रचार उठ गया होगा भैया। यहाँ जो पैसा लगा रहे हैं मेरे कार्यकर्ता लगा रहे हैं, ठीक है, और हम लगा रहे हैं, हमारे पास अगर पैसा इतना होता तो मेरे ख्याल से हम तो पता नहीं क्या कर लेते। आपको ईडी CBI से डर नहीं लगता? अगर पता चल गया मोदी जी को पता चल गया कि बब्बर साहब के में आप पैसा लगा रहे हैं, आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपको नहीं खतरा इस चीज का? ईडी तो मेरे यहाँ 2 बार आ चुकी है। तो ये कैप्टन अजय सिंह यादव है जो कहते हैं ईडी मेरे यहाँ 2 बार आ चुकी है, और इन्होंने पिता पुत्र ने एक बार फिर कहें कि जिस तरीके से लॉयंस क्लब मॉडल टाउन के अंदर है विशाल जनसभा करके बाकायदा बता दिया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आकर के, जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के वो भी आए, तमाम लोगों ने बता दिया है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। और जो लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि कैप्टन साहब वोट मांग रहे हैं, गारंटी क्या है, तो कैप्टन साहब ने आज
अपनी गारंटी भी दे दी है कि इतने सालों से मेरा परिवार यहाँ पर है, आपका कोई काम होता है तो मेरा परिवार यहाँ पर है, आप बब्बर साहब का भी यहाँ परिवार होगा, तमाम चीजों का यानी कि हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, हमने आपको लाइव शो भी दिखाया कि किस तरीके से यह पूरा जनसंपर्क अभियान हुआ। भूपिंदर सिंह हुड्डा यहाँ पर आए और तमाम लोग आए, राज बब्बर यहाँ पर आए, सबने अपनी बातें रखी और कैप्टन साहब ने जिस तरीके का आयोजन किया बता दिया है कि वो चुनाव में तन मन धन से लगे हुए हैं। फिलहाल इतने कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज़, रेवाड़ी।